स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर ऑन टॉपिक स्पीड फॉर क्लास 8 एंड मींस टू डिफाइन द टर्म स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस या टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड। सो हाउ वी डिफाइन या इंट्रोडक्शन गिव अबाउट द स्पीड। सो स्टूडेंट्स यू मे सीन इन द यूनिवर्स या व्हेन यू लुकिंग अराउंड in your environment or universe, you may see that all the objects around the things, yeah, around the universe are moving. In which some objects move slow and some objects move very fast, but some objects move at a constant speed by the passage of time. Students, आप लोगों ने यह देखा होगा, अगर आप यूनिवर्स में देखने की कोशिश करोगे, आपके आसपास में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्लो मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत से स्पीड से मूव कर रहे हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो ऑन द लार्ज स्केल ह्यूज गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दे मूविंग अराउंड देम। ये जो हमारे पास गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी मिलियंस ऑफ स्टार्स से बना हुआ है, ये भी मूव कर रहे हैं आसपास। और सो द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव एट देयर डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द सन विद द कांस्टेंट स्पीड। एंड सिमिलरली द साइज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेक अप सब्सटेंस एंड मूव कंटिन्यूसली विद द सेम स्पीड आर विथ वेरी हाई स्पीड। सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑन द स्पीड अबाउट डेली लाइफ। स्टूडेंट आपने देखा होगा हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं या हमारे पास कुछ जो बंदे हैं वो सारे को एबिलिटी है कि वो मूव कर सकते हैं। इसके लिहाज से आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फास्ट मूव करें, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्लो मूव करें। ये जो स्लो मूव करें या जो फास्ट मूव करें, ये सारे ऑब्जेक्ट में एबिलिटी है मूव करने के लिए। सो सिमिलरली आपने ये देखा होगा, ये जो हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स सनलाइट के साथ रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद ये अपना ग्रोथ का प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो चल रही है। सो यू मे सीन दैट ह्यूमन बिल्ड ए मशीन। आपने देखा होगा जो हमारे पास इंसान आता है, इसने डिफरेंट किस्म के मशीन्स बनाई हैं, जैसे आप लोगों का कार्स है। इन मशीन में से कुछ ऐसे हैं जो फास्ट मूव करें, कुछ ऐसे हैं जो स्लो मूव करें, कुछ ऐसे हैं जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करें अराउंड द फास्टर। सो हाउ वी कैन, सो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी डिफाइन द टर्म स्पीड। स्टूडेंट स्पीड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा इसको हम नाम देते हैं स्पीड। आपने देखा होगा ये जो हमारे पास लेस अप में करें, ये हमारे पास जो कार है, अगर ये कार इस पॉइंट पे स्टे होगा और उसके बाद ये कार यहाँ से स्टार्ट होगा चलने और ये कार यहाँ पे पहुँचेगा, इसका मतलब है ये कार अगर एक जगह से दूसरे जगह के जाने की कोशिश करेगा, इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। और अगर ये कार इसने जितना डिस्टेंस कवर किया और इस कार को जितना डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा, इसको हम नाम देते हैं स्पीड। सो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्टूडेंट हम स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम नाम देते हैं स्पीड। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का जो सिंबल है वो वी है, डिस्टेंस का जो सिंबल है एस है, टाइम का जो सिंबल है वो टी है। स्टूडेंट डिस्टेंस का जो सिंबल है वो एस है, इसका यूनिट मीटर है और मीटर का सिंबल सिमलम है। टाइम का यूनिट सिंबल टी है, इसका यूनिट सेकंड है। और जो स्पीड का यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं इफ़ ए कार ट्रेवल 50 मीटर्स, एक कार है जो 50 मीटर मूव कर रहा है और उसको 4 सेकंड लग रहा है।
ए कार है जो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब ये जो हमारे पास 50 मीटर है, इसका मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस है 50, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है। ये कर एक हमारे पास कार है, कितना मीटर डिस्टेंस कवर करे, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करे, इसका मतलब है यहाँ पे जो 50 के साथ मीटर है ना, ये हमें मीटर किसका मिला हुआ है, ये हमें डिस्टेंस मिला हुआ है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, जबकि हमने पहले डिस्कस किया टाइम का यूनिट सेकंड है, और हमें जो टाइम मिला हुआ है वो 4 सेकंड मिला हुआ है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू को हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से जो स्पीड मालूम करना पड़ेगा, स्पीड यहाँ पे सेम रहेगा। अभी हमें डिस्टेंस कितना मिला, 50 मिला हुआ है, जिसकी जगह पर डिस्टेंस है उसकी जगह पर हम 50 रखेंगे, और इसको हम जिसकी जगह पर नीचे से टाइम है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है जब हम स्पीड मालूम करेंगे, हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 12.5। इसका मतलब है अगर ये कार 12.5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, फिर ये कार 50 मीटर 4 सेकंड में कवर करेगा। इसका मतलब है अगर ये कार 12.5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अभी आप लोगों को एक डायरी है, और डायरी कौन सा है, हमें यहाँ से एक स्पीड आपको मालूम करना पड़ेगा। आप लोगों को ये HW है कि आप लोगों को स्पीड मालूम करना पड़ेगा, स्पीड का सिंबल V है, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दे दिया है, जबकि आप लोगों को जो डिस्टेंस मिला हुआ है, डिस्टेंस का जो सिंबल S है, और इसका मीटर जो है, इसका यूनिट मीटर है, और हमें ये 8 मिला हुआ है। टाइम जो है, टाइम हमें 2 मिला हुआ है, और इसका जो यूनिट है वो सेकंड है। स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे ये स्पीड मालूम करना पड़ेगा, और आप लोगों को हमने डिस्टेंस और टाइम दिया है, इसके लिहाज से आप लोगों को ये डायरी है, आप लोगों को स्पीड मालूम करना पड़ेगा। डिस्टेंस आपको 8 मीटर मिला हुआ है, टाइम आपको 2 सेकंड मिला हुआ है। आपको चाहिए कि आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके हमें आप लोग जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दें। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आप लोग को जो है वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।